चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरी दुनिया में भारत और इसरो के वैज्ञानिकों की धूम है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 न सिर्फ सफल लैंडिंग तक सीमित था, बल्कि इसका फोकस चांद और अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाना है। लैंडिंग के बाद कई ऐसे काम हैं जो प्रज्ञान रोवर और चंद्रयान को करने हैं। हालांकि स्लीप मोड में जाने के बाद वापस विक्रम और प्रज्ञान से इसरो का संपर्क नहीं हो पाया है। इसरो लगातार संपर्क साधने की कोशिश में है। उधर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि जिस काम के लिए प्रज्ञान को भेजा गया था उसने वो कर दिखाया है। एस सोमनाथ ने बताया कि भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने वह काम कर दिखाया है कि इसे किए जाने की अपेक्षा जताई जा रही थी। यदि यह स्लीप मोड से सक्रिय होने में नाकाम भी रहता है तो खास समस्या नहीं है। चांद पर प्रज्ञान के स्लीप मोड में होने की स्थिति पे इसरो प्रमुख ने कहा कि चांद का तापमान 0 से लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वेदर कंडीशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मौसम के कारण इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अफेक्ट अगर नहीं हुए होंगे तो यह फिर से एक्टिव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये एक्टिव नहीं भी हुआ तो ठीक है, रोवर ने वह काम ऑलरेडी कर दिया है जिससे करने की अपेक्षा जताई जा रही थी। इसरो ने पहले हफ्ते कहा कि चंद्रयान पर सुबह होने के साथ ही चंद्रयान 3 के सोलर एनर्जी के से चलने वाले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान से कॉन्टैक्ट कर इन्हें फिर से एक्टिव करने की तमाम कोशिश की जा रही है। इसरो चीफ सोमनाथ ने आने वाले मिशन के बारे में कहा कि इसरो अब एक्सरे पॉलीमेटर उपग्रह पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारा ये एक्सपोसिट बिल्कुल तैयार है और PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। हमने अभी किसी भी तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन नवंबर या दिसंबर में किया जा सकता है। सोमनाथ ने कहा कि एक और मिशन INSAT-3DS की भी तैयारियां जारी है, जो कि एक जलवायु उपग्रह है और इसे दिसंबर में प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसरो यही नहीं रुकने वाला, अभी चांद, सूरज और अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों पर भारत के वैज्ञानिकों की नजर है। ये तो बस शुरुआत है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।